चलो अभी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। एक मिनट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये मोल कंसेप्ट वाले पार्ट में पीओएसी क्या होता है, और दूसरा मोल मोल एनालिसिस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तब उसके बाद जो सबसे मेजर टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है हम लोग के पास कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, और एक्चुअल में ये चीज़ एनसीईआरटी में दे नहीं रखा मोल कंसेप्ट में, लेकिन हम लोग इसको मोल कंसेप्ट में ही डिस्कस करते हैं क्योंकि हम लोग मोल कंसेप्ट को एक्चुअली में पूरे 11th 12th के बहुत सारे छोटे छोटे टर्म से रिलेट करके रखते हैं। तो जो सबसे मेजर टॉपिक अब बचा रह गया कंसंट्रेशन टर्म है। इसमें हम लोग जैसे क्लास 9th में भी तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उस टाइप के यहाँ पे टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके डिस्कशन के बाद फिर हम लोग के जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज यील्ड, इम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ये तीन चार टॉपिक्स हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। हम लोग का 3 से 3.5 लेक्चर या 4 लेक्चर में मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारे लिए होमवर्क आज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग डाल देना कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसके बेसिक्स पे हम लोग आते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, या फिर हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इन सब चीज़ों की हम लोग थोड़े बहुत डिस्कशन करेंगे अभी। चलो हेडिंग डाल दो कंसंट्रेशन टर्म और डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, मान लो कि हम लोग जब रिएक्शन करा रहे थे अभी, तो अभी ऐसा मेंशन कर रहे थे कि कोई भी एक रिएक्टेंट ए है, अगर वो किसी दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा, तो इस केस में हम लोग जो भी रिएक्शन करा रहे थे वो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में करा रहे थे, कभी भी हम लोग मास के टर्म में रिएक्शन नहीं करा रहे थे। तो नॉर्मली होता क्या है, जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये तो ठीक है कि नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में रिएक्शन हो रहा, लेकिन जैसे अगर मान लो कि हम लोग कभी भी दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन कराते हैं, तो एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेगा, या फिर हम लोग एक स्टैंडर्ड टर्म यूज करते हैं कोलाइड करेगा, कोलाइड करना मतलब टकराएगा, तो जब दोनों पार्ट एक दूसरे से टकराएंगे तभी दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हो पाएगा, और जब दोनों एक दूसरे से टकरा करके कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन के बाद प्रोडक्ट तो बनना है, बट पॉइंट पहले ये आएगा कि टकराएगा कैसे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जैसे अगर मान लो ऐसा मेंशन किए कि हम लोग के पास रिएक्टेंट ए है जो कि सॉलिड है, रिएक्टेंट बी है वो भी सॉलिड है, तो अगर रिएक्टेंट ए वाला पार्ट और रिएक्टेंट बी वाला पार्ट आपस में कोलाइड करेगा तो केवल ये सरफेस ही तो कोलाइड करेगा, बाकी पार्ट तो कोलिजन में नहीं जा रहा, मतलब ये जो पूरा का पूरा दूसरा पार्ट है ये तो सब तो खाली के खाली बैठा हुआ है। तो अगर हम लोगों का ये कोलिजन वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मतलब हम लोग केवल एक सरफेस को कोलाइड करा पा रहे हैं बाकी पार्ट को कोलाइड नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग के सॉलिड्स के बीच में कभी भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि सॉलिड्स वाले पार्ट के बीच में रिएक्शन कराने के लिए हम लोग ए वाले पार्ट को एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, बी वाले पार्ट को भी हम लोग एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही इसको एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट किए, और अब अगर इसको हम लोग एक कंटेनर में डाल दें, तो एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने की वजह से ए वाले पार्ट सॉल्युबल होने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट कर जाएंगे। सिमिलर टाइप से जो बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट करके अलग अलग तरीके से रहना शुरू करेंगे, और अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आराम से कोलाइड करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब अलग अलग पार्टिकल्स का कोलिजन होगा, मतलब ए वाले पार्ट के सारे पार्टिकल्स बी वाले पार्ट के सारे पार्टिकल्स के साथ आराम से कोलाइड कर सकते हैं, और जब सारा पार्ट कोलाइड करेगा तो आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम लोग पार्टिकल ए लेके चले थे, पार्टिकल बी लेके चले थे, और दोनों को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट किए, तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि कैलकुलेशन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग दोनों को बार बार सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर 3 रिएक्टेंट होंगे या 4 रिएक्टेंट होंगे, सबको बार बार हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग फिर ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि उस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ए का अमाउंट कितना है, हम लोग इस वेरिएशन को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम लोग ए वाले पार्ट को एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया है, तो अगर ए वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, इसमें से हम लोग कुछ पार्ट ले लेते हैं,
केवल कुछ पार्ट लेते हैं, तो इस कुछ पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आएगा, हम लोग इस टर्म को जानने के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि जब हम लोग इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कुछ पार्ट को लेना शुरू करते हैं और उसमें से हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, या फिर अमाउंट ऑफ ए निकालना होगा, या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकालना होगा, या फिर अमाउंट ऑफ ये कंपोनेंट निकालना होगा, तो हम लोग फिर क्या करें, ऐसा किस तरीके से हम लोग ये अमाउंट वाले पार्ट को रिलेट कर पाए, उस तरीके को या उस अमाउंट वाले पार्ट को रिलेट करने के तरीके को ही हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स बोलना शुरू करते हैं। मतलब हम लोग एक सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके अमाउंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट को हम लोग आराम से कंसंट्रेशन टर्म बोल सकते हैं। अब इससे पॉइंट ये होता है कि जो हम लोग ये कंसंट्रेशन टर्म वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही रेफरेंस लेवल हो, या हम लोग केवल एक टाइप के कंसंट्रेशन टर्म की बात कर सकते हैं। हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइप के टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्लास 9th में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम लोगों ने सुना था, परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मतलब हम लोग नॉर्मली इन तीनों टर्म्स की बात करते हुए काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये तीनों टर्म्स थोड़े ज़्यादा रिगोरस टर्म्स हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन में हम लोग के काम में नहीं आते। हम लोग इसके जगह पे कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, जिसमें एक पार्ट को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलर मास से इसको कन्फ्यूज मत करना, मोलर मास अलग चीज़ है, ये मोलैरिटी है। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, मतलब फ्रिक्वेंटली तो खैर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन क्लास 12th के एक टॉपिक में हम लोग मोस्टली ये टर्म यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग मोलैलिटी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तीसरा टर्म जो हम लोग को कंसिडर करना है, इस चीज़ को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, और इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो यही दे रखा, परसेंटेज वेट बाई वेट, फिर उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो बेसिकली हम लोग को ये तीन टर्म्स और इधर के तीन टर्म्स अपने टॉपिक में डिस्कस करने हैं, बट इन जनरल एक कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखना, ये मोलैरिटी सबसे फ्रिक्वेंटली यूज टर्म है, तो इसीलिए इन जनरल ऐसा कंसिडर कर लिया गया है कि जब भी कभी टर्म बोला जाए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने बोला है, इसका मतलब बेसिकली मोलैरिटी कैलकुलेट करने बोला है। ये एक छोटा सा पार्ट है जो बाई है, जब तक प्रिसाइजली मोलैलिटी नहीं बोलेगा तब तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में बस ये कैलकुलेट करने बोलेगा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। तो कंसंट्रेशन बोलो या मोलैरिटी बोलो, दोनों सेम तरह की चीज होगी। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला डिस्कशन हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट का होगा। सबसे पहला डिफिनेशन बहुत ही इजी सा टॉपिक है, तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग डाल सकते हैं आराम से, मोल फ्रैक्शन। हेडिंग डाल दो मोल फ्रैक्शन, जिस चीज को हम लोग आराम से एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट कर लो। चलो ध्यान दो, जैसे पहले इसका एक छोटा सा हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है। वैसे एक चीज वर्ड से समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना टर्म फ्रैक्शन, तो इस वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग बेसिकली फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब भी कभी फ्रैक्शन निकालते हैं, तो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज में एक सर्टेन अपियरेंस का जो वैल्यू है उसको टोटल से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग वहां से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि 2 + 3 दिया और बोला है कि 2 का फ्रैक्शन निकालो, तो 2 / 2 + 3, मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट 2/5 हो जाएगा। एक दूसरे पार्ट में कहीं वैल्यू दे रखा 3 और 4, बोला है 3 का फ्रैक्शन निकालो इस टोटल वैल्यू में, तो उस केस में 3/3 + 4, मतलब 3/7 अपना फ्रैक्शन निकल के आएगा। तो सिमिलर टाइप से हम लोग मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं। जब भी कभी हम लोग एक मिक्सचर के अंदर मोल्स की बात करेंगे, तो उस केस में उस मोल का टोटल मोल्स में क्या रेशियो है, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे इसको सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, हम लोग एक मिक्सचर है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, और मान के चल रहे हैं हम लोग कि ए वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स एन ए के बराबर है और बी वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स एन बी के बराबर है। तो इस केस में
जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो इस मिक्सचर में ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स है केवल, मतलब एन ए प्लस एन बी आराम से लेते हुए चल सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग एक्स ए से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी कंसिडर कर सकते हैं. तो सिमिलर टाइप से हम लोग, भाई माइक्रोफोन ऑफ करो, देखो भाई इस तरह का जो भी टाइम पास करेगा उसका लास्ट क्लास हो जाएगा ये, ठीक है? क्लास चल रहा है इसका, तुम्हारे स्कूल का क्लास नहीं, पहले भी इस चीज के लिए मना किया तुम लोगों को, अगर ऐसा हरकत करेंगे तो सीधा क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद एंटरटेन भी नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है? इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना. फिर मान लो जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाले पार्ट की बात करते हैं, तो इस केस में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाले पार्ट की जब बात करेंगे तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ले सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एन ए प्लस एन बी आराम से कंसिडर किया जा सकता है. तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आराम से याद रहेगा, तो आराम से इसको नोट कर लो. मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसमें फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सा है. और एक छोटा सा पार्ट और सोच सकते हैं, जैसे एक चीज कैलकुलेट करके देखना है, इसके नीचे एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा ये कैलकुलेट करके देखना. अभी के लिए पार्ट ऊपर का नोट कर लो. अगर नोट कर लिया होगा तो फिर ये चीज ट्राई करके देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा अगर हम लोग ए प्लस बी का एक मिक्सचर लेके चलते हैं. तो सर वन वन सिंपल सा फॉर्मूला है, उधर दे रखा है एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, एन एक्स बी वाले पार्ट में एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी. तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे एन ए प्लस एन बी तो कॉमन है, तो उसके हिसाब से ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आएगा, नीचे भी एन ए प्लस एन बी आएगा. इसका मतलब वैल्यू वन के बराबर होना चाहिए, लॉजिकली भी वन होना चाहिए, क्योंकि एक मिक्सचर में दो कंपोनेंट है. अगर दो कंपोनेंट है तो उन दोनों कंपोनेंट वाले पार्ट के फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे तो सारे के सारा फ्रैक्शन मिलकर हमेशा वन के बराबर होता है. यहाँ से हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू 100 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. सिमिलर टाइप से परसेंटेज ऑफ बी विल बी इक्वल टू 100 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ये हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. नोट कर लो इस चीज को, और इसको नोट करने के बाद कुछ क्वेश्चन से कैलकुलेशन करेंगे. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती इसमें. क्वेश्चन नोट कर लेना स्क्रीन से. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ विश्वजीत, विश्वजीत आवाज आ रही है तुमको? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एन एक्वा सॉल्यूशन In an aqueous solution. Hi Vishwajit, आवाज आ रही है तुमको?
चलो ध्यान दो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एन एक्वस सॉल्यूशन विथ 40 ग्राम ऑफ NaOH with 40 gram of NaOH in 220 gram of solution. In 220 gram of solution. सोच के देखो एक बार. सिंपल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन जो टर्म्स दे रखे हैं उसको ढंग से सोच के देखना. और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रहने देना, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सर 2/9. 2/9 या 1/9? सर 1/9. वन यस सर, बाई वन नाइन बाय हाँ 1/9. चलो भाई आंसर आ गया दो तीन लोगों का, तो डिस्कशन शुरू करते हैं. चलो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो पहले, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट को देख लेना. इसे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बोला, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते हैं. क्वेश्चन में दे रखा है 40 ग्राम ऑफ NaOH और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वेट अपॉन मोलर मास. तो वेट वाला पार्ट कितना, 40 ग्राम, और मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 23 प्लस 124 प्लस 16 मतलब 40. तो नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर आ गया. अब उसके बाद क्योंकि हम लोगों के मिक्सचर में एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन का बेसिक मतलब तो ये होना चाहिए कि हम लोगों के पास सॉल्यूशन में एक तो NaOH है और उसके अलावा वाटर भी है. तो दो कंपोनेंट में एक सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया, तो भी हम लोगों को दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल से मतलब है. तो एक काम कर सकता है, क्वेश्चन में 220 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया है. सॉल्यूशन का मतलब जब हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे है, और साथ ही साथ इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आता है. तो अगर टोटल मास 20 ग्राम के बराबर, सॉरी 220 ग्राम के बराबर है, सॉल्यूट वाला पार्ट NaOH था जो कि क्वेश्चन में 40 ग्राम के बराबर दे रखा, तो इस केस में 40 ग्राम प्लस सॉल्वेंट वाला पार्ट मतलब वेट ऑफ H2O लिख सकते हैं. तो यहाँ से वेट ऑफ H2O आराम से 180 ग्राम के बराबर निकल के आ जाएगा. और अगर वेट वाला पार्ट निकल के आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हैं हम लोग. 180 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 18 होना चाहिए, मतलब टोटल हम लोग 9 आ रहा है. नहीं भाई, 1/11 आ रहा है शायद से. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वाला पार्ट हम लोग आराम से 10 के बराबर ले सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10, 1/11 होना चाहिए, 1/9 नहीं आंसर होगा, 1/11. अगर किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आंसर 1/11 होना चाहिए. किसी भी पार्ट में डिफिकल्टी है तो पूछ लो, सिंपल क्वेश्चन तो है, मतलब क्योंकि बेसिक पार्ट है, ये सब चीज़ें बचपन में पढ़ी हुई है लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं रहती, तो ये सब चीज़ें इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है. आगे दो तीन क्वेश्चन और कराएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबली क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत आसान टॉपिक है ये. जल्दी बोलो भाई, कोई भी डाउट और इसमें?
अच्छा एक सवाल का जवाब दो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH तो हम लोगों के पास 1/11 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा? सर 1 - 1/11। एक चीज का ध्यान रखना, और ये एक छोटा सा ट्रिक है इसलिए भी इस चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ ऊपर 1 है नीचे 11 है तो बाकी बचा पार्ट क्या है 10, तो 10/11 अपना वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमेशा सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का सम है, तो जब भी कभी एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा तो बस ये देख लो कि नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना बचेगा, वो डिवाइडेड बाई हम लोग टोटल वैल्यू आराम से एसोसिएट करते हुए काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा कंसिडरेशन लेते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अगर इस सवाल में निकालने बोलता तो आराम से हम लोग 10/11 कंसिडर करके काम कर सकते थे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करो फटाफट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर कंसिडरिंग परसेंटेज ऑफ N2 इक्वल टू 80% एंड परसेंटेज ऑफ O2 इक्वल टू 20%। ट्राई करके देखो सवाल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सवाल सिंपल सा है लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें सिखानी है तुम लोग, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए यूज़ किया है। दो तीन इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने हैं, दो तीन तरीके भी यहाँ पे सीखने हैं, दो तीन तो नहीं है खैर, दो तीन सब मिला के ही है। चलो ध्यान दो, ऐसे एक तो इस चीज का ध्यान रखना, बचपन में ये चीज सुनते आ रहे होंगे कि एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज 79% के अराउंड होता है, सॉरी 78% के अराउंड होता है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% के अराउंड होता है, बाकी बचे 1% में सारे के सारे गैसेस होते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखना है कि हम लोग अपने केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में नाइट्रोजन का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 80% लेके चलेंगे, जबकि ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20% लेके चलेंगे। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग को जनरली ध्यान रखना है। इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे एवरेज मॉलिकुलर मास वाले कंसेप्ट में, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, जैसे अगर कभी भी सवाल में परसेंटेज का सवाल देगा तो एक्स और वाई एज्यूम मत करना, हमेशा एक कॉन्स्टेंट एज्यूम करना। जब भी कभी परसेंटेज का सवाल देगा तो हमेशा वैल्यू 100 के बराबर एज्यूम कर लेना। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं एयर का टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स है वो 100 के बराबर है, तो क्वेश्चन में दिया 80% नाइट्रोजन है, इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल मोल्स का 80% नाइट्रोजन के मोल्स होंगे, तो 100 का 80% निकालेंगे तो सीधा 80 निकल के आएगा, इसीलिए ये कांस्टेंट वैल्यू 80 एज्यूम करके चलना होगा ताकि वेरिएबल के टर्म में कैलकुलेशन ना हो, कैलकुलेशन काफी सिंपल तरीके से हो जाए। तो 80% N2 का मतलब हो गया हम लोग सीधा 80 मोल्स की बात कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से जब हम लोग यहाँ पे 20% O2 की बात करेंगे तो सीधा हम लोग 20 मोल्स लिख सकते हैं, क्योंकि 100 के टर्म में जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो अपना परसेंटेज है वही बेसिकली अपना नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है। तो 100 मोल्स का 80% मतलब 80 मोल्स, 100 मोल्स का 20% मतलब 20 मोल्स आराम से निकल के आ गया। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2
बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एयर के नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं, तो 80 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ सब लोग आराम से कैलकुलेशन में 4/5 के बराबर वैल्यू ले सकते हैं। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालेंगे तो ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट बोला था 4/5 है, तो 5-4 इसका मतलब 1 बच जाएगा, 1/5 अपने ऑक्सीजन वाले पार्ट का मोल फ्रैक्शन निकल के आ सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन पहला ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज होता 78 है, बट हम लोग कैलकुलेशन में केमिस्ट्री में उसको 80% के बराबर लेंगे, जबकि ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम लोग 20% के बराबर लेंगे। और उसके अलावा जब भी कभी परसेंटेज का सवाल देगा तो 100 के टर्म में कैलकुलेशन करना, कभी भी एक्स मान के काम मत करना। एक्स मान के भी आंसर आता, जैसे अगर यहाँ एक्स मानते तो उसका 80% लिखते हम लोग, तो 80/100 इंटू एक्स, नीचे वाले केस में 20/100 इंटू एक्स कर सकते थे। ये अपना एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता, बाद में आंसर इतना ही आता, लेकिन एक्स होने से एक फालतू का वेरिएबल आएगा, उस वेरिएबल के टर्म में काम मत करो, एक कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में काम करो, तो ज्यादा बेटर कंसिडर किया जा सकता है कैलकुलेशन। नोट कर लो कैलकुलेशन को, और नोट करने के बाद एक और कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। हाँ मन, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, बन गया था वही बता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। मतलब एक्चुअल में बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन हम चाह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, क्योंकि इस चीज को हम लोग आगे यूज करेंगे, बहुत जगह पे यूज करेंगे। मोल कंसेप्ट एक्चुअल में बस कंसेप्ट है, इसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन जस्ट पास ऑन करना है, ताकि हम लोग आगे के चैप्टर्स को अच्छे से डील कर पाए। वैसे एक चीज है कि जैसे मोल कंसेप्ट जैसे ही खत्म होगा, तो इसके बाद तुम लोग का दो टॉपिक चलेगा केमिस्ट्री में। एक टॉपिक तो हम लोग कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे, कुछ बेसिक पार्ट, और उसी में हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस बेसिक पार्ट के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर कैसे होता है, या फिर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं, कार्बन चेन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिस्ट्री में ये दो टॉपिक पैरेलल में चलेंगे तुम्हारे, क्योंकि केमिस्ट्री काफी बड़ा सिलेबस होता है, इसलिए हर बार सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत होता है। तब हर जगह पे केमिस्ट्री में दो टॉपिक्स पैरेलल में चलते हैं, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री चलता है और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो तुम लोगों को ये दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग सिलेबस का ध्यान रखते हुए आराम से पैरेलल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखेंगे, उसके थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं आराम से कवर कर सकते हैं। और मोल कंसेप्ट तक हम लोग केवल मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चल रहा होगा तुम्हारा, और नोमेनक्लेचर आइसोमरिज्म क्या होता है, उसके अलावा फिर जीओसी वाले पार्ट में कुछ कुछ चीजें होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलो भाई थर्ड सवाल ट्राई करके देखो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ मिक्सचर of acetic acid and glucose if same mass of both of them are taken in the sample. If same mass of both of them are taken in the sample, ये टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, लेकिन ये टॉपिक को आप प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि इन टॉपिक्स का पार्ट हर जगह यूज होगा, गैसीय स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक छोड़ दे अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो बाकी बचे सारे टॉपिक में ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे, इसीलिए इन टॉपिक्स का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। कहीं पे कोई भी डिफिकल्टी हो किसी भी तरह के पार्ट में, तो उस केस में आराम से सारे के सारे पार्ट डाउट सॉल्व करते वक्त पूछते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
इस टॉपिक में एकदम बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। इससे पुराने टॉपिक में डाउट होगा कोई तकलीफ नहीं है, उसका डाउट धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप क्लियर होगा, लेकिन इनका डाउट अभी क्लियर करना ताकि आगे के टॉपिक्स में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ट्राई करके देखो क्वेश्चन। आंसर हम मेंशन कर दे रहे हैं 1/4 और 3/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है वो 1/4 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड वाला पार्ट जो है वो 3/4 होगा। इस सवाल में भी एक छोटा सा तरीका मेंशन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, मतलब इस तरह के सवाल जब आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या चीज हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। अब यमन आंसर आ गया, बढ़िया। श्रुति का भी आंसर आ गया, बाकी लोग भी ट्राई करो, एटलीस्ट 3-4-5 लोगों का आंसर और आना चाहिए, टाइम है अपने पास। अनुष्का का भी आंसर आ गया, और भी लोग सॉल्व करो, अभी 2-3 लोग और आंसर लेकर के आओ जल्दी। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला या फिर उसका मोलर मास क्या होता है, उसके लिए हम हेल्प कर देते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्लास 10th में सुना है, इस चीज को हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH। और ग्लूकोज तो यार मेरे हिसाब से बचपन से सीखते आ रहे हैं, ग्लूकोज तो मालूम होना चाहिए, C6H12O6। चलो भाई बढ़िया, सब लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, सवाल में ऐसा मेंशन किया, सवाल तो सिंपल सा है, इंग्लिश भी तुम लोग अच्छा ही है मान के चल रहे हैं। सवाल में मेंशन किया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज इफ सेम मास ऑफ बोथ ऑफ देम आर टेकन इन अ सैंपल। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये सेम मास वाला पार्ट, जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से सेम मास देगा तो हमेशा एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना, दोनों कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में जिसका मास ज्यादा होगा उसके मोलर मास के बराबर मास एज्यूम कर लेना। ये कैलकुलेशन करने का एक सिंपल सा तरीका होगा, जिसका मास ज्यादा है या जिसका मोलर मास ज्यादा है उसके मोलर मास के बराबर ही मास एज्यूम कर लेना। जैसे अगर हम लोग एसिटिक एसिड वाले पार्ट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो इसका मोलर मास 60 ग्राम आएगा, जबकि ग्लूकोज वाले पार्ट का मोलर मास 180 ग्राम के बराबर निकल के आएगा। शुरू में भी हम लोगों ने कैलकुलेशंस किए थे मोलर मास वाले पार्ट में, मॉलिक्यूलर मास वाले पार्ट में, तो ये चीज तुम लोगों को अभी तक याद हो गया होगा या फिर कैलकुलेट करने आ गया होगा, 60 और दूसरा 180 ग्राम। जब भी कभी सेम मास बोलेगा तो जिसके मास का वैल्यू ज्यादा है, मतलब जिसके मोलर मास का वैल्यू ज्यादा है उतने के बराबर ही मास मान लेना सबके लिए। इसका मतलब मान लेते हैं कि वेट ऑफ ग्लूकोज वाला पार्ट 180 ग्राम के बराबर है और वेट ऑफ एसिटिक एसिड वाला पार्ट भी 180 ग्राम के बराबर है, ये हम लोग assumption लेके चल लेते हैं, तो इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ग्लूकोज का तो नंबर ऑफ मोल्स 180 डिवाइडेड बाई 180 मतलब गिवन मास बाई मोलर मास, ये चीज सीधा 1 हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन तो बच गया ना अपना, अगर हम लोग एक्स मान के काम करते तो भी कैलकुलेशन ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन का जो एक्स वाला पार्ट है वो पार्ट बच गया, सीधा 1 आंसर आ गया। इसलिए भी हम लोग चाहते तो 100 ग्राम मास मान के चल सकते थे, मतलब कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता। तो ट्राई करना हमेशा
जिसका मास ज्यादा है उसके बराबर के मास को ही मोलर मास, मतलब उसके मोलर मास के बराबर के मास को ही मास मान लेना एजम्पशन में बराबर करने के लिए। तो यहाँ से एक का नंबर ऑफ मोल्स वन आ गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फिर से 180 ग्राम डिवाइड बाई 60 मतलब 3 मोल्स के बराबर। तो यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब टोटल 3/4 ले सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब 1/4 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो 3/4 एंड 1/4 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट ये तरीका ध्यान रखना थोड़ा, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? अरुचि, शांभवी, शाश्वत, कोई डाउट? नो सर। बढ़िया, ओके। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल सॉरी कंसंट्रेशन टर्म वाले पार्ट का, जिसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं, और इस चीज को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। हेडिंग डाल देना मोलैरिटी, और सबसे पहला पॉइंट ही मेंशन कर लेना ऑल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। अश्रुति, कोई डाउट है क्या? नो सर। तो हाथ अपना नीचे कर सकते हैं, हाथ दर्द कर जाएगा। चलो ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक में है, कंसंट्रेशन वाले पार्ट में मोलैरिटी। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला कंसिडर कर लेते हैं। एक कंसंट्रेशन और मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना है, ये पार्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इस केस में कंसंट्रेशन और मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें भी हम लोग लीटर्स के टर्म में कैलकुलेशन करते हुए काम करेंगे। जनरली हम लोग ऐसा लिख देते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग के बोलने का एक जनरल लैंग्वेज होगा, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना ही रखना, वैसे बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, लेकिन ये टर्म ध्यान रखना। नीचे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्वेंट कंसिडर नहीं करते, केवल सॉल्यूशन वाले पार्ट को हम लोग वॉल्यूम में कंसिडर करते हैं। नोट कर लो फॉर्मूला। और क्वेश्चन ट्राई करके देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बस इंट्रोडक्शन था इसलिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ट्राई करके देखो। सर 2/100? 2/100 नहीं सर, 20। बढ़िया, बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, आंसर 20 आ गया है। सर आ गया। बढ़िया सर, 20। 20
क्वेश्चन में यहाँ ml दिया है और ऊपर फॉर्मूले में हम लोगों ने मेंशन किया था, इसका ध्यान रखना है कि लीटर होगा। तो जब मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 1000 से डिवाइड करके काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में NaOH का कंसंट्रेशन, और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ NaOH बोला मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालने बोला है, तो थोड़ा ध्यान दो इधर। जैसे आंसर तो बहुत सारे लोगों का 20 आ गया, लेकिन लिखना कैसे है इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। जब भी कभी कंसंट्रेशन बोलेगा तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH वाले पार्ट को हम लोग ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ये कंसंट्रेशन वर्ड डिफाइन करने का तरीका होता है, जहां कहीं भी इस तरीके से एक बड़ा ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन होगा मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग कंसंट्रेशन या मोलैरिटी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम को हम लोग लीटर में लेके चलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 80 ग्राम दे रखा है, ऊपर जस्ट अभी मोलर मास कैलकुलेट किया था 40 के बराबर, तो 80 डिवाइडेड बाय 40 इसका मतलब 2 के बराबर वैल्यू होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 दे रखा इसका मतलब 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 वाला पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब उसके यहाँ से हटा सकते हैं, इंटू 1000 कर सकते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 20। लेकिन एक और चीज ध्यान दो, 20 जब लिखेंगे तो इसके साथ साथ m लिखेंगे, इसको बोलने का लैंग्वेज होता है 20 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी मोलैरिटी होगा तो मोलर वर्ड यूज करेंगे, मोलैलिटी होता तो यहाँ पे मोलर वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ये बोलने का तरीका होता है। तो 20m जो लिखेंगे हम लोग कैपिटल, मतलब आंसर जब भी बोलना तो 20 मोलर सॉल्यूशन अपना आंसर निकल के आ गया। लिखने का ये तरीका कंसंट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बेसिक सवाल था, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करना था इस चीज को, इसलिए ये डिस्कशन किया। अगला सवाल ट्राई करके देखो, कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं, और नहीं डाउट है तो अगला सवाल ट्राई करके देखो। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन कंटेनिंग 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। सर 2 मोलर, 2 मोलर पक्का? मेबी सर, मेबी, हाँ 2 मोलर। देवांश का भी आंसर आ गया, बाकी लोग कैलकुलेट करो। 2 मोलर सॉल्यूशन, हाँ 2 मोलर। चलो अमन का भी आंसर आ गया, 3-4 लोग आंसर आ गया तो कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, सवाल में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालने बोला और 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला जो है एसिटिक एसिड वाले पार्ट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन जैसे यहाँ पे
सवाल में वॉल्यूम नहीं दे रखा सॉल्यूशन का, मास दे रखा है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं डेंसिटी वाला पार्ट, क्योंकि अपने डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, और डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml के बराबर। तो ऊपर 1000 ग्राम है, नीचे 1 ग्राम पर ml, ये ग्राम कैंसल आउट होगा, इसका मतलब यहाँ से 1000 ml वैल्यू निकल के आ जाएगा। और 1000 ml का मतलब हो गया 1 लीटर की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अगर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, और वेट दे रखा 120 ग्राम, अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर है ही। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 के बराबर निकल के आएगा, तो आराम से आंसर हम लोग 2 मोलर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसमें डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, और अगर इसमें डिफिकल्टी नहीं है तो एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखो। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is equal to 0.5, density of solution is equal to 1 gram per ml. Calculate the concentration of NaOH solution in which mole fraction of NaOH is equal to 0.5, density of 1 gram per ml. ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, सोच के देखो क्या होना चाहिए। हम भी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आंसर हम देख पाए। मेरा आंसर नहीं देखेगा कोई, और आंसर चाहे तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी आंसर आएगा बता सकता है, भारी सवाल है, सोच के देखो। सर ये पक्का भारी है ना? डिपेंड करता है, मेरे लिए तो आसान है, तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है। बहुत भारी भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठीक भारी है। फिर तो नहीं बनेगा सर। अरे बन जाएगा, इतना भी भारी नहीं है, सोच के देखो, सोचने वाला सवाल है थोड़ा। पहले ही बोल दे रहे भारी है तो नहीं बनाएंगे नालायक लोग। पांच मिनट का टाइम दे रहे हैं, ढंग से सोच के देखो।
सर 20 20 तो नहीं है ना। सर 25/2 25/2 भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो हम जो जो सवाल पूछ रहे हैं बस वो सोचना कि तुम्हारा सोचा उसमें सही है कि नहीं है, ठीक है? हम बस सवाल पूछते जा रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग टोट कितना क्या बोल रहे हैं? है, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो अगर सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर है तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन का 1 के बराबर है तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया ना, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, मोल फ्रैक्शन मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वाला पार्ट 0.5 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे सॉल्यूशन है, मतलब बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन लेके चल रहा है, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पे H2O वाला पार्ट भी तो 0.5 होगा ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर है जिसमें एक कंपोनेंट 0.5 के बराबर है, तो दूसरा कंपोनेंट भी 0.5 के बराबर होगा। मतलब एक चीज मालूम पड़ गया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट में 0.5 NaOH है और H2O भी 0.5 है। अब एक और सवाल पूछ रहा है, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 के बराबर होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होता? 5, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है बस 5। और अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालते तो ये भी 5 के बराबर होता। अब एक कैलकुलेशन का पार्ट और सीखो, जब भी कभी मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा तो मोल फ्रैक्शन में हमेशा 10 मोल मान के कैलकुलेशन कर लिया करना। इस सवाल में टोटल मोल्स 10 है तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स डेसिमल में नहीं आएगा, अगर 1 मानते तो भी अपना आंसर आएगा, लेकिन 1 मानने पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डेसिमल में आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। इसीलिए जब भी कभी एक मिक्सचर के अंदर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा तब उस केस में पूरे मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स को 10 मान के कैलकुलेशन शुरू कर लेना। तो एक चीज यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 मानते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 5 के बराबर निकल के आता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी 5 के बराबर निकल के आता। तो एक चीज तो मालूम पड़ जाएगा कि अगर हम लोग 10 मोल का मिक्सचर मान के चलते तो जो वेट वाला पार्ट है NaOH के केस में, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, और मोलर मास बहुत बार कैलकुलेट किया था इसका, अभी ऊपर 40 के बराबर है, तो टोटल मास हो जाएगा 5 × 40, इसका मतलब 200 के बराबर। जब H2O की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका मोलर मास 18, मतलब 90 के बराबर। तो एक सॉल्यूशन के अंदर केवल NaOH मतलब सॉल्यूट है, केवल H2O मतलब सॉल्वेंट है, तो इस केस में वेट ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, और सॉल्वेंट वाला पार्ट 90 है, सॉल्यूट वाला पार्ट 200 ग्राम के बराबर है, मतलब टोटल मास हम लोग 290 ग्राम के बराबर लेके चल सकते हैं। तो अगर सॉल्यूशन का टोटल मास निकल के आ गया तो ऊपर क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है अपने पास, तो डेंसिटी वाले पार्ट से हम लोग आराम से, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। मास वाला पार्ट कितना दे रखा, 290 के बराबर, और ये डेंसिटी वाला पार्ट है 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब अपना वॉल्यूम 290 ml के बराबर निकल के आ जाएगा। और अब हम लोग अगर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH निकालते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो कि 5 के बराबर लेके चल रहे थे, तो 5 नंबर ऑफ मोल्स हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके यहाँ से हटा देते हैं, मतलब वैल्यू आएगा 500/29 मोलर। बहुत डिफिकल्ट सवाल तो नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा पार्ट इसमें एक्स्ट्रा था जो ध्यान रखने लायक था। अगर किसी पार्ट में डिफिकल्टी है तो आराम से पूछ सकता है, किसी भी एक पार्टिकुलर पार्ट में डिफिकल्टी है तो आराम से पूछ सकता है। तो इसको नोट करना है थोड़ा ऊपर खींचे ना। ओके ये चीज, ये जो तरीके बता रहे हैं तुम लोगों के, अजम्पशन मान लेना 100 या 10, ये सब तरीके सीखने हैं, क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है। स्कूल के एग्जाम में भी ये चीज अलाउ कर सकते हैं, मतलब उसमें भी 100 मान करके कैलकुलेशन कर सकते हैं तो भी स्कूल में नंबर मिलेगा। ये सब एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ मेथड्स माने गए हैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी फॉर्मेट में डील करने के लिए, थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीजों का।